एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद एक और नए टाइप का एंगल, और जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, REPOSE, रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, समझिए ध्यान से। ये आपका अटेंडेंस रजिस्टर, हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरह मैंने इसको यूज किया, ओके। एक ही ऑब्जेक्ट मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया, करेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस सरफेस को जिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है इसे इंक्लाइंड करना शुरू कर दिया, देख रहे हो, तिरछा करना शुरू कर दिया, इसे इंक्लाइंड करना शुरू कर दिया। अभी नहीं चला, नहीं मैं ये खराब हो जाएगा, नीचे गिर गया तो कुछ और ले लूं, क्या लूं? हाँ, नहीं कुछ, चलिए अनब्रेकेबल किट। अब यहां ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, और मैंने जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है इस सरफेस को मैंने इंक्लाइंड करना शुरू कर दिया, और इंक्लाइंड, एक सर्टेन इंक्लिनेशन ऐसा बना जिस इंक्लिनेशन पर आपकी ये बॉडी बस फिसल जाने के लिए तैयार है, यहां, ठीक है। अभी फिसलने नहीं देना है इसको, फिसलने नहीं देना है, लेकिन इंक्लाइंड और एक सर्टेन इंक्लिनेशन ऐसा आया कि बस ये फिसलने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा कर दूंगा तो ये फिसल जाएगी, करेक्ट। अब फिर से देखिए ध्यान से, एक एंगल बन रहा है आपके इस रजिस्टर के दोनों साइड्स के बीच में, नीचे वाली साइड हॉरिजॉन्टल रखी हुई है और ऊपर वाली साइड को इंक्लाइंड करते जा रहे हैं, और यहां आकर ये फिसलने की तैयारी में है, बस इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, फिसलने ही वाला है, बस फिसलने रहा भी है, ओके। यहां जो आपका ये एंगल बना है, कौन सा एंगल बना है, ये जो एंगल बन गया आपका हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लाइंड सरफेस का एंगल, ये वाला एंगल। एक सरफेस तो कैसे मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, दूसरी सरफेस को क्या किया, इंक्लाइंड किया। इस इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वो एंगल जबकि इसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट फिसलने के बस तैयार हो, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कौन सा एंगल है ये? हॉरिजॉन्टल सरफेस और आपकी इंक्लाइंड सरफेस के बीच का एंगल। लेकिन इंक्लाइंड सरफेस का भी कौन सा एंगल? एक पर्टिकुलर एंगल, जबकि आपका ऑब्जेक्ट बस फिसलने ही वाला है, फिसलने की तैयारी में, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ आई? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड सरफेस सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइड डाउन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंक्लाइंड सरफेस विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ इंक्लाइंड सरफेस विद हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइड डाउन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, करेक्ट। लिखे हेडिंग डाल लीजिए इसे, और इस एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। वैसे आप बीटा से रिप्रेजेंट कर लो, किसी और से रिप्रेजेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस, द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस, बल्कि इंक्लाइंड सरफेस नहीं, इंक्लाइंड प्लेन लिखो, द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस
बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन सरफेस इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइड डाउन. जस्ट एट द वर्ज, VERG, वर्ज ऑफ स्लाइड डाउन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा डायग्राम. ये आपका इंक्लाइंड सरफेस और ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल. यहां आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइड डाउन, बस फिसलने के लिए तैयार है, फिसलने वाला है. तो फिर इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच के इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा. करेक्ट. अब इस बॉडी पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? सबसे पहले इस बॉडी पर काम कर रहा है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, और इसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही बनाइएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही बनाइएगा, किसी और डायरेक्शन में मत बना दीजिएगा. देखिए मेरे पास एक खराब डायग्राम है बना हुआ, देखिए क्या है खराबी है इसमें. ये जो mg है, mg को इसने इंक्लाइंड बनाया हुआ, जबकि mg आना था आपका एग्जैक्टली यहां वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ रहे हो, गलत बना हुआ. ऐसी आपसे, आप में से ज्यादातर से ऐसी मिस्टेक होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा. और जब आप ठीक बनाएंगे, जब आप mg की डायरेक्शन ठीक बनाएंगे, तब ये वाला एंगल आपका अपने आप ही राइट एंगल बन जाएगा, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों के बीच राइट एंगल बन जाना अपने आप. ओके. इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही है, कौन सी फोर्स काम कर रही है, रिएक्शन ऑफ द सरफेस. दिस इज द रिएक्शन आर, रिएक्शन ऑफ सरफेस. एक्चुअली हमें दोनों ये यहां से बनानी, आप दोनों एमजी भी और आर भी यहां इस पॉइंट से बनाइएगा, सरफेस पर बनाइए. ओके. अब ये बॉडी कहां है, डाउन द प्लेन खिसकने की तैयारी में है, डाउन द प्लेन चलने की तैयारी में है. तो फिर इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट होता है. दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज व्हाट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आपको ध्यान रहेगा, या दोबारा बनाऊं, ये वाला पॉइंट भी आपको यही लेना, सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे. करेक्ट. बना लोगे, दोबारा बनाऊं डायग्राम, कर लेंगे. ओके. अब हम इस mg को रिजोल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए एक मैंने ये एक्सिस ड्रॉ करी है, और दूसरी एक्सिस कहां है, ये दूसरी एक्सिस है. जब आप अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये एक्सिस कहां जाएगी, आपके इंक्लाइंड सरफेस पर ही आएगी, ये वाली डॉटेड लाइन, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल पक्का. परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम यहां से, ये परपेंडिकुलर डाला और एक परपेंडिकुलर आपने कहां डाला, सामने वाली सरफेस पर डाला. ओके. पूरा रेक्टेंगल बनना चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रेक्टेंगल ही बनना चाहिए और कुछ नहीं. बन गया रेक्टेंगल, लग रहा है ना रेक्टेंगल सा. ओके. ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना बचेगा बताओ, ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा, तो फिर इसका एडजेसेंट हो गया ये अल्फा. समझ गए कैसे हुआ अल्फा, अल्फा 90 माइनस अल्फा, और ये वाला पूरा आपने 90 बनाया है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस जब बनाई है, तो 90 में से 90 माइनस अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा, अल्फा बचा. अब आपके पास दो कंपोनेंट बन गए आपके एमजी के, एक कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट आपका यहां. जो कंपोनेंट एंगल के साथ बना है ये कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट बन गया, ये mg cos अल्फा, और बाकी दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट. ये क्या बन गया आपका, mg sin अल्फा. क्लियर हुए सारे के सारे, सारे कंपोनेंट्स क्लियर हैं, डायग्राम क्लियर है. फिर से समझिए ध्यान से, डायग्राम याद मत कीजिए, डायग्राम बनाना सीखिए. कैसे बनाया है डायग्राम, क्या बनाऊं एक बार फिर से. अच्छा, आप में से कौन ये कहता है, जी आप मुझे बुलाओ मैं बना के दिखाऊंगा डायग्राम अभी, या मैं बना के दिखाऊंगी, मैंने समझ लिया इसे, मैंने सीख लिया,
कौन आप में से कह सकता है कि मैं मुझसे बनवाओ डायग्राम, मैं अभी आके बनाता हूँ, मैं अभी आके बनाती हूँ। लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटे बेटे तो साधु हैं संत हैं। असीम, असीम के बराबर में एक और कोई हाँ, बेटियां कितनी हैं? दो हैं। अच्छा चलिए आप आ जाओ असीम के बराबर में जो आप बैठे हुए हैं। आप शायद अभी तक आपका चांस नहीं पड़ा कभी। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ आकर के। वेरी गुड। नाम आपका क्या है? जगदीप, जगदीप सिंह। ओके जगदीप, डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे यहाँ, ड्रॉ कर लीजिए कहीं और। ओके अब देखते हैं कि जगदीप ने ये डायग्राम सीखा है या जगदीप ने ये डायग्राम रटा है, देखते हैं कैसे होगा। आप बनाते जाइए, आप जैसे भी आप बनाना चाहते हैं उसे आप बनाते जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूं, कमेंट्री कर रहा हूं इनके लिए। ये जगदीप फील्ड पर उतरे और ये बैटिंग, पहले इन्होंने एक स्ट्रोक मारा है हॉरिजॉन्टल, अगली स्ट्राइक सीधा पेवेलियन की तरफ इंक्लाइंड। चलिए ऑब्जेक्ट भी ये अच्छा वाला कंपनी का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं स्केल से, बढ़िया ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया ये। अब इस ऑब्जेक्ट पर दिखा रहे हैं ये क्या, एक वेट एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बढ़िया बहुत बढ़िया। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का कितना है? आर है, बहुत बढ़िया। अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लंबी पारी खेलेंगे ये। ओके ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बना रहे हैं अब द प्लेन, क्यों बनाया है? क्योंकि ये मोशन प्रोबेबल मोशन डाउनवर्ड है। ओके ओके ये क्या ड्रॉ किया आपने, ये मोशन को डाउन डाउन किया आपने, मोशन रिप्रेजेंट किया, तो अच्छा लिख दो इसके ऊपर मोशन, नहीं उस एरो के ऊपर लिख दो यार, मोशन मोशन वर्ड लिख दीजिए बस आप, ठीक है। ओके अब आगे क्या करेंगे? बढ़िया एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो फिर सीधे सीधे रिएक्शन के पीछे बनेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन के पीछे, और एक एक्सिस ऑलरेडी बनी हुई है आपकी। कौन सी एक्सिस है ये? इंक्लाइंड प्लेन जो है। आगे एंगल, एंगल रिप्रेजेंट कीजिए, एंगल एंगल रिप्रेजेंट कीजिए। अल्फा, अल्फा कहाँ बनाया था हमने? अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस के बीच का, यहाँ इसको अल्फा लिखिए। ओके करेक्ट, राइट एंगल का मार्क लगाइए कहीं पर, एक राइट एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है राइट एंगल? दिस इज राइट एंगल। अब अल्फा और बना दीजिए, कहां बनेगा एक और अल्फा? करेक्ट इट इज अल्फा। ओके 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 रेक्टेंगल ड्रॉ करना आपको क्या? हाँ हाँ इंक्लाइंड प्लेन पर ही आपको रिप्रेजेंट करना है एक्चुअली, इसीलिए मैंने वहां मोशन लिखवा, नहीं लिख रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस को जो रिजोल्व करने वाली एक्सिस है वो इंक्लाइंड प्लेन पर ही है। चलो तो अब आप एम जी को रिजोल्व कर दो, एक काम और कर लेते हैं, mg को यहां लिख देते हैं, ठीक है? तो ये आपकी एक्सिस हो गई, इसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं आपको mg के, बनाइए कैसे ड्रॉ करेंगे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं आपको mg के, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं तो 90 से लगना चाहिए, देखो नहीं 90 नहीं लग रहा, ए यहां आकर 90 लगेगा और पीछे जाए वो ए यहां लगेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एक एक्सिस पर, ठीक है। अब दूसरा दूसरा परपेंडिकुलर कहां जाना है, कहां जाना है दूसरा परपेंडिकुलर? बनाइए, अच्छा परपेंडिकुलर बनाइए,
थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बस थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूज हो गए। अच्छा, कौन इनके आगे आगे बनाएगा, कौन इसे ठीक करेगा? कौन? बैठिए प्लीज जगदीप, वेरी गुड, आपने ठीक बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आपके टेस्ट में मुझे याद है आपके मार्क्स बहुत बढ़िया नहीं थे, और इस बार के टेस्ट में कितने थे आपके मार्क्स? एक, जस्ट वन आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 25। कोई बात नहीं, आप इम्प्रूव कर जाएंगे। हाँ जी, इसको कौन आप में से करेक्ट करने वाला है? असीम को नहीं बुलाऊंगा, ये लड़की पहली बार है, इसका हाथ उठा हुआ देखा, आप आ जाओ प्लीज, पहली बार आपका हाथ उठा हुआ देखा है, आ जाइए, आओ 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 ठाकुर आओ, लीजिए। हाँ बिल्कुल, इसी में करेक्शन कर लीजिए, रेड पेन लीजिए, रेड पेन से बनाइए, कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप होना था, खूबसूरत मेहंदी, फिजिक्स विथ मेहंदी। ओके ओके ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेक्टेंगल बन गया, बढ़िया रेक्टेंगल बन गया। अब आप इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दीजिए, mg के दो कंपोनेंट, mg cos थीटा, लेकिन कहां से कहां तक है, रेड पेन से बना दो इसे आप, कहां से कहां तक है ये mg cos थीटा, कहां से कहां तक है ये बताइए आप, बना दीजिए, जहां से शुरू हो रहा वहां रखिए पेन, और जहां तक जा रहा वहां बना दीजिए। ये है mg cos थीटा, अच्छा, फिर उसके बाद mg sin थीटा बना रहे हैं, mg sin अल्फा, ठीक है, कहां से कहां तक है ये एरो बनाइए इसका, यहां तक है एरो, ओके ओके, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए इन्होंने रेक्टेंगल तो बढ़िया ड्रॉ कर लिया है ये, लेकिन इस रेक्टेंगल में कंपोनेंट कौन से हैं ये नहीं पता। असीम, अब आप आ जाओ, इस ग्रीन पेन से इसमें बना दीजिए कंपोनेंट्स, mg cos अल्फा, ये mg cos अल्फा, और ये mg sin अल्फा। अब असीम ने भी मिस्टेक कर दी है, कौन इस मिस्टेक को करेक्ट करेगा? केवल दो रह गए अब मिस्टेक करेक्ट करने वाले, ये भी गड़बड़ है, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए प्लीज, साक्षी आप आ जाओ, साक्षी आ रही है अब, साक्षी इसको करेक्ट कीजिए कि mg cos अल्फा कहां से कहां तक है, mg cos अल्फा कहां से कहां तक है, वेरी गुड, दिस इज mg cos अल्फा, और ये बना आपका mg sin अल्फा, करेक्ट। असीम, समझ आई मिस्टेक आपकी? जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके दोनों के दोनों कंपोनेंट रेक्टेंगल की साइड ही होते हैं, रेक्टेंगल की साइड ही तो दो कंपोनेंट है, आपने ये कंपोनेंट यहां बाहर बना लिया, ये भी बाहर बना लिया आपने, समझ आया? ओके, वापस अपने पुराने डायग्राम पर आ जाता हूं। चलिए, अच्छा लगा कि आप सीख रहे हैं, अच्छा लगा आप सीख रहे हैं, रट नहीं रहे, वेरी गुड, सीखने की आदत डाल देंगे तो सीखना रटने से कहीं ज्यादा आसान है, बहुत आसान है, रटना बहुत मुश्किल है, इन सारी चीजों को रट पाना बड़ा मुश्किल है, सीखना बड़ा आसान है, बस एक बार सीखना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, ये कंपोनेंट्स बन गए सारे हमारे, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, क्या कराने वाला था मैं, कुछ भी नहीं, पता नहीं, याद ही नहीं रहा मुझे। ओके, डाल देता हूं मैं नाम, ये पॉइंट मैंने डाला ओ, ये पॉइंट डाला ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट डाल दिया सी। तो हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पहले इक्विलिब्रियम केस में लगाते हैं, देखिए ध्यान से, बॉडी अभी बस फिसलने के लिए तैयार है, फिसल नहीं रही है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने बैलेंस किया हुआ है, किसे बैलेंस किया हुआ है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप द प्लेन है और एक फोर्स डाउन द प्लेन है, ना ये अप द प्लेन चल रहा ना डाउन द प्लेन चल रहा, तो इसका मतलब अप द प्लेन वाली फोर्स और डाउन द प्लेन वाली फोर्स दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, इन इक्विलिब्रियम क्या बनेगा आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स व्हाट, एम जी साइन अल्फा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम जी साइन अल्फा, उसके बाद ये आपकी बॉडी ना तो प्लेन से ऊपर उछल रही है,
ना प्लेन के अंदर धंस रही है, तो इसका मतलब प्लेन अप द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन अप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउन, दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल हैं। तो फिर R इक्वल्स कितना बन गया आपका, R इज इक्वल्स टू एम जी कॉस अल्फा, करेक्ट, क्लियर हुआ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, एम जी से एम जी कैंसिल होकर क्या बनेगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो क्या बना आपके लिए, टेन अल्फा इक्वल्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। लेकिन फोर्स ऑफ, एक तो ये आपका बन गया रिलेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अगेन म्यू एस, तो क्या बना, टेन अल्फा इक्वल्स म्यू एस, करेक्ट। और अल्फा आपके पास कितना निकल कर आता है, टेन अल्फा इंटू म्यू एस। लेकिन अभी हमने देखा पीछे थीटा एंगल ऑफ रिपोज, वो भी तो यही था, टेन इनवर्स म्यू एस, वो भी तो यही था। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ऑफ रिपोज कुछ और नहीं बल्कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल ही हुआ करता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बिल्कुल मैग्नीट्यूड में एक ही जैसे हुआ करते हैं, ठीक है। कीजिए सिंपल सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कर डालिए इसे।